पनामा लीक्स केस की ये सवाल जारी है, इस पर हमारी नजर, इससे मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी दीगर खबरें शामिल करते हैं। एक और अहम खबर आपको दें कि वजीर आजम नवाज शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह ने मुलाकात की है। मुलाकात में समंदरी हदूद के तहफ़ पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताया कि कल आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी वजीर आजम नवाज शरीफ की, और आज पाक बहरिया के सरबराह ने मुलाकात की है। आबिद मलिक से इस मुलाकात से मुतालिक मजीद जानते हैं। आबिद मलिक, बताइएगा मुलाकात में क्या बातचीत हुई? जी, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़कावुल्लाह की मुलाकात में पेशावराना उमूर और समुद्री हदूद की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई, और पाक बहरिया के सरबराह ने पाकिस्तानी समुद्री हदूद के नज़दीक भारतीय आबदोज की नकल व हरकत के वाक़े से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया और सिलसिले में उनको ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया का किरदार बहुत अहम नौइयत का है, और हुकूमत बहरिया को जदीद आलात से लैस करने और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है। इस मौके पर पाक बहरिया के सरबराह ने कहा कि पाक बहरिया वतन अज़ीज़ की समुद्री हदूद के तहफ्फुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। जी शुक्रिया आपका आबिद मलिक।